मैम एक नंबर है 117, 117 और ये खाली पंक्तियां तो हमने पूरी करवा दी थी ना, भरवा दी थी दिव्या, भरी है दिव्या? यस मैम। अंता मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, थपकी दे दे कर जब अम्मा, मुझे सुलाती रात में, है ना? यही है ना? यस मैम। मौखिक पहला प्रश्न है, बच्चा किससे बात कर रहा है, बताइए किससे बात कर रहा है? बच्चा चंदा मामा से बात कर रहा है। पहला क्या उत्तर होगा, बच्चा किससे की जगह क्या लिखेंगे हम, चंदा मामा से बात कर रहा है। दिव्यांश अभी आप बुक के ऊपर ही लिख लीजिए, यहाँ पेंसिल से चंदा मामा, ठीक है? फिर कॉपी में लिखिएगा फिंगरप्रिंट में। यस मैम। अच्छा लिख लिया आपने, लिख लिया और किसने लिख लिया, कौन रह गया? कनक आपने लिख लिया? मैं लिखी हूँ। कनक लिख लिया है आपने? अच्छा दूसरा तो सृष्टि आपने लिखा है? यस मैम। अच्छा दूसरा प्रश्न, बच्चे की सृष्टि कब से है, कब से है बच्चे, बताइए सृष्टि? मैम बच्चे की सृष्टि कब से है? बोलिए कल से। यस वेरी गुड। आपने लिखा है आयुष्मान, आयुष्मान आपने लिखा है कि, लिखा है कॉपी में? यस मैम। नहीं लिखा, नहीं दिखाइए, दिखाइए हमको, दिखाइए, नहीं लिखा है, हम जानते हैं आपने नहीं लिखा है। गलत गलत बात है ना, झूठ नहीं बोलना, आपने क्लास में भी बोला है ना हमने। हाँ इसका उत्तर क्या होगा, छुट्टी कल से है, लिख लिया? ये कब काट के कल से लिख लीजिए, ठीक है? बुक के ऊपर लिख लीजिए, ठीक है? दिव्यांश लिख लिया, लिख लिया दिव्यांश आपने? कनक आपने भी लिख लिया? कनक सिंह तीसरा, अम्मा बच्चे को क्या बनाकर पिलाती है, बताइए क्या बनाकर पिलाती है? अम्मा बच्चों को टमाटर का सूप बनाकर पिलाती है। वेरी गुड। आराधना, आराधना आपने लिखा है? यस मैम। अंजलि आपने लिखा है? यस मैम। कि आपने कितनी सारी लिपस्टिक लगाई है, आपको लगाना चाहिए कहीं लिपस्टिक, क्यों अंजलि? गलत बात है ना, छोटे बच्चों को नहीं ऐसे लिपस्टिक लगाना चाहिए, क्यों लगाई है? नहीं लगाना चाहिए बेटा, है ना? हाँ तो बताइए आयुष्मान इसका आंसर क्या है, अम्मा बच्चे को क्या बनाकर पिलाती है? टमाटर सूप। टमाटर सूप, गुड। तो कैसे लिखेंगे, अम्मा बच्चे को टमाटर सूप बनाकर पिलाती है। आप कॉपी में लिख लीजिएगा, कलम से चेक कराइएगा। आयुष्मान सुन रहे हैं? यस मैम। आप ये कल इनके आंसर लिखिएगा, हमसे कॉपी में दिखाइएगा, कॉपी में लिखिएगा इसी आंसर। यस मैम। हमसे कल चेक कराइएगा यहीं पर कंप्यूटर में, ठीक है? यस मैम। हाँ यस मैम। झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल। तो ठीक है, ये मौखिक प्रश्न उत्तर हो गए आपके, कनक और दिव्यांश के। यस मैम। आयुष्मान आपके भी हो जाना चाहिए बेटा, है ना? गुड बॉय है ना आपको? हाँ वेरी गुड बॉय, यू आर वेरी गुड बॉय। अब लिखित क्वेश्चन आपसे लिख लीजिए, चांद हमें क्या देता है, बताइए दिव्यांश क्या देता है? चांद हमें चांदनी देता है। क्या लिखेंगे इसका उत्तर, इसका बुक में ही लिखिए, सब लोग लिखिए। आयुष्मान आप लिखिए, कनक आप लिखिए, सक्षम आप लिखिए, दिव्यांश आप। चांद हमें चांदनी
देता है। लिखिए कनक, लिखिए चांदनी, चांद हमें तो लिखा हुआ है, केवल चांदनी देता है। चांदनी देता है, कक्षा में आपने भी नहीं लिखा था बेटा, अब लिख लिया। हाँ बोलो बोलो, लिख लिया। यस मैम। आपने लिख लिया आयुष्मान, लिख लिया। इसको बुक में भी लिखना है, कॉपी में भी लिखना है ना। तो बुक में तो हम ही लिखा दे रहे हैं, आपको लिखा रहे हैं ना, केवल कॉपी में आप लोगों को लिखना है। कनक आपने लिख लिया, कनक लिख लिया आपने। यस मैम। ओके, दूसरा, बच्चा किससे बात करते हुए सोता है? चंदा मामा। बताइए किससे बात करते हुए सोता है? चंदा मामा। चंदा मामा। लिखिए आयुष्मान, लिखिए कनक, लिखिए बच्चा चंदा मामा से बात करते हुए सोता है। प्रश्न पूरा प्रश्न की दोहरा दे रहा, केवल क्या लिखना है? बच्चा लिख करके किससे की जगह हम क्या लिख देंगे? चंदा मामा से। और पूरा प्रश्न दोहरा देना, बात करते हुए सोता है बच्चा चंदा मामा से। और पूरा प्रश्न में से लिख देंगे, बात करके सोता है। बच्चा चंदा मामा से बात करते हुए सोता है। ठीक है, हो गया सबका। अच्छा, मैं आपने अभी लिखा है कि पहले से लिखा था? सृष्टि आपने लिखा है, सृष्टि पांडे आपने लिखा है, सृष्टि आप नहीं सुन रही हमें, म्यूट हो जाती। अच्छा, और सबने लिख लिया? सक्षम आपने अभी लिखा है क्या बेटा, कि पहले से लिखा था आपके पास? मैम कल लिखा, पहले लिखा था। अच्छा अच्छा, नव्या आपके पास भी लिखा था ना पहले? अब कौन है दिव्यांश, आपका लिख गया बेटा? यस मैम। अच्छा, आयुष्मान आपने लिख लिया? अभी नहीं। अच्छा, लिख लिए, लिख लीजिए, हम आपका वेट कर रहे हैं। बच्चा चंदा मामा से बात करते हुए सोता है। आपका बच्चों का लिख गया ना, तो आपका परीक्षा लिख लिया, किसी को परेशानी नहीं है ना, आपको अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर लेंगे ना आप लोग। यस मैम। अच्छे से आंसर लिख के आएंगे ना सब लोग। यस मैम। आराधना, आयुष्मान, देवांश, सृष्टि, अब चलिए चैप्टर 8 पलटिए। ये खाली स्थान भरे हैं आप लोगों ने? दिव्यांश भरे हैं? दिव्यांश, अंजलि भरे हैं आपने? यस मैम। आपने भरे बेटा ये खाली स्थान? नो मैम। तो आपने किया ना बेटा, चलिए हम भरवाते हैं। पहला, इसमें सर्वनाम शब्द भरना है। सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? ठीक है, जैसे मामा जी मुझे साथ में ले जाना, किसे साथ में ले जाना? मुझे। कौन है इसमें? कौन है मुझे इसमें बताइए नव्या?
आमा जी मुझे साथ में ले जाना। इस कविता में मुझे कौन है? बताइए लक्षण, बताइए अंजलि, बताइए कौन है इसमें मुझे? इसमें मुझे बच्चा है, जो बच्चा है ना वो कह रहा है ना मुझे भी ले जाना, तो मुझे कौन है? तो बच्चा क्या है? संज्ञा। बच्चा संज्ञा है ना, तो बच्चे की जगह क्या उपयोग किया गया? मुझे। तो सर्वनाम कौन से शब्द कहलाते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो संज्ञा इसमें बच्चा है, तो बच्चे की जगह पर क्या उपयोग किया गया? मुझे। ठीक है ना, तो मामा जी मुझे साथ ले जाना। अब तीसरे में कल छुट्टी है, किसकी छुट्टी है कल? बच्चे की। गुड गुड वेरी गुड, बच्चे की छुट्टी है। लेकिन यहाँ बच्चा नहीं भरेंगे, बच्चे की जगह बच्चा तो संज्ञा है ना, तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम उपयोग करना है, तो बच्चे की जगह हो जाएगा मेरी। मेरी कल छुट्टी है। मेरी मेरी मतलब किसकी? बच्चे की। भाई चाहे तारा रस्ती लिखो, अब फिर लांची से रंडी बड़ी बड़ी थी आदन मुरली मेरी पूरी मेरी कल छुट्टी। मेरी कल छुट्टी है। अब तीसरा है चंदा मामा से बात करता करता सो जाता हूँ। कौन सो जाता है चंदा मामा से बात करते करते? बच्चा। बच्चा, तो बच्चा की जगह क्या हो जाएगा फिर? मैं। मैं चंदा मामा से बात करता करता सो जाता हूँ। सो जाता है। मैं बस। ठीक है, मैं चंदा मामा से बातें करते करते सो जाता हूँ। अब चौथे नंबर का है प्याली में पानी पीते हैं कौन? चंदा मामा। तो चंदा मामा की जगह क्या उपयोग करेंगे हम? वे प्याली में पानी पीते हैं, प्याली में पानी पीते हैं वे। वे लिखिए इसमें। वे कर दीजिए मात्रा चढ़ा दीजिए। वा में एक मात्रा। वे प्याली में पानी पीते हैं। और अंतिम है माँ थपकी देकर सुलाती है किसे? बच्चे। बच्चे को। तो बच्चा कह रहा है तो क्या कह रहा है? माँ मुझे, माँ मुझे थपकी देकर सुलाती है मुझे। ये देखिए ये सारे ये वाले वर्ड यहाँ लिखे हुए साइड में, ये चंदा मामा बने हुए हैं उनके साथ में सारे ये वर्ड लिखे हुए। माँ मुझे थपकी देकर सुलाती है। हो गया? यस मैम। और ये भी भरवा दिया है बेटा आपने? हाँ भरा है ना आपने। ठीक है, देखिए इसको करिए, मिलाइए एक बार। मामा जी मुझे साथ में ले जाना, ये तो लिखा हुआ है। मेरी कल छुट्टी है, भरा आपने सबने? यस मैम। दूसरा, मैं चंदा मामा से बात करता करता सो जाता हूँ, अंजलि यही बता रही है। मैं चंदा मामा से बात करता करता सो जाता हूँ। उसके बाद वे प्याली में पानी पीते हैं, है ना?
और अंतिम है माँ मुझे थपकी देकर सुलाती है। ठीक है सबने भरा? यस मैम। ओके अब चलिए नेक्स्ट करेंगे। इन विराम चिन्हों को जानो। देखिए पहले जान लीजिए कि कौन सा विराम चिन्ह कैसे बनता है। ये बॉक्स में बना हुआ है। पूर्ण विराम कैसे बनता है ये देखिए, रेड कलर से बना हुआ है बॉक्स में, सीधी लाइन खींचती है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, देखिए पूर्ण विराम कैसा बनता है, ये बॉक्स में बना हुआ है। आयुष्मान देखिए उसमें बना है ना बॉक्स में, और दूसरा उसके नीचे बना हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब प्रश्न पूछा जाता है तो ये अंत में ये वाला चिन्ह लगता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब तीसरा ये बना है अल्प विराम, थोड़ा सा रुकने के लिए जो अल्प विराम लगता है, जिसको हम कॉमा बोलते हैं ना, कॉमा। तो ये कॉमा बना हुआ है, देखिए चित्र देख लीजिए, इसमें पिक्चर बॉक्स में देख लीजिए, कॉमा बना हुआ है ना। और अंतिम है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जब आश्चर्य व्यक्त करते हैं, जब खुशी होती है, जब कोई परेशानी होती है, तब ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है ना। ध्यान से देख लिए ना आपने ये वाले चिन्हों को। yes, टेंस पढ़ेंगे आप, आपको बताना कि कौन सा चिन्ह लगेगा इसमें। पहला वाला है मयंक एक लड़का है, इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? इसमें तो लगा हुआ है वैसे, बताइए। पूर्णिमान। क्यों लगेगा? क्योंकि ये पूरी बात कही जा रही है इसमें। अब दूसरा है मेधा, मेघा, नेहा और स्वाति आई। मेघा नेहा, मेघा और नेहा के बीच में हम थोड़ा सा रुके ना, मेघा नेहा एक साथ तो नहीं बोल दिया ना हमने, मेघा नेहा और स्वाति आई, तो क्या लगेगा यहाँ पर? अल्प विराम। नव्या सही बोल रही है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। नव्या आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम्हारा क्या नाम है, कौन सा चिन्ह लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक क्यों है? प्रश्नवाचक क्यों इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा? बताइए सक्षम। पूछ रहा था क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या नाम है ना, पूछ रहा है ना कि तुम्हारा क्या नाम है, प्रश्न पूछ रहा है ना, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। और अंतिम है विस्मयादि बोधक। वाह कितना सुंदर दृश्य, क्या होगा इसमें, क्या लगेगा बताइए? इसमें खुशी लग रही ना कुछ, अरे वाह कितने अच्छे फूल खिले, कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें खुशी व्यक्त की जा रही है ना, तो इसमें हम लगाएंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। लेकिन किस जगह लगाएंगे? वाह के बाद। इसमें लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है, अब आपको लगाना है, अब आप लोगों को लगाना है चिन्ह। बताइए कौन सा चिन्ह कहाँ लगेगा? रात में चांद निकलता है, बताइए आयुष्मान कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, वेरी गुड बॉय, शाबाश। अंत में पूर्ण विराम लगेगा, लगाइए लगाइए पूर्ण विराम, वेरी गुड वेरी गुड। ये सब लोग अंत में पूर्ण विराम। सक्षम, दिव्यांश, सृष्टि, अंजलि, नव्या आपने तो लगा लिया है ना? दूसरा फिर ध्यान से सुनिएगा हमारा सेंटेंस है ना, चांद हमें क्या देता है, बताइए कौन सा प्रश्न, कौन सा चिन्ह लगेगा इसमें, कौन सा विराम चिन्ह? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, वेरी गुड। क्यों ये। क्या हो रहा है इसमें? प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे, क्या पूछा जा रहा है कि चांद हमें क्या देता है ना,
तो लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब तीसरा है, चांद कितना सुंदर है, क्या लगेगा? विस्मयोदक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। उसने खुशी व्यक्त की जा रही ना, आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, चांद कितना सुंदर है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। और अंत में टमाटर गाजर व पालक का सूप बनाया जाता है। टमाटर गाजर व पालक का सूप बनाया जाता है, बताइए कौन सा चिन्ह लगेगा? अल्पविराम। कहाँ पर अल्पविराम लगेगा बताइए? टमाटर के बाद, टमाटर और गाजर के बीच में। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, टमाटर और गाजर के बीच में लगेगा अल्पविराम, और अंत में लगेगा क्या? पूर्ण विराम। गुड, अंत में पूर्ण विराम लगेगा। नव्या आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही बेटा? हो गया बेटा ये, आयुष्मान हो गया आपका पूरा? यस मैम। अब चलिए नंबर तीन करेंगे, वाक्य पढ़कर बताओ कौन सा प्रश्न है और कौन सा उत्तर है। हम जो पढ़ रहे हैं उनको बताना है कि ये प्रश्न है कि ये उत्तर है। जैसे क्या आप मुझे साथ ले जाएंगे, ये क्या है? प्रश्न है ना, बुक में दे रहा हूं। अब दूसरा है, मैं आपको टमाटर का सूप पिलाऊंगा, ये प्रश्न है कि उत्तर है? प्रश्न। प्रश्न कहाँ है? उत्तर। कहाँ प्रश्न पूछा गया? उत्तर। मैं आपको टमाटर का सूप पिलाऊंगा, किसी को भी कहने लिया, कहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं? इसमें उत्तर मिलेगा। अब दूसरा है, चंदा मामा लड्डू खाते हैं, ये क्या है? उत्तर। उत्तर, क्योंकि वो तो साधारण से बता दिया कि चंदा मामा लड्डू खाते हैं। अब तीसरा है, रात में थपकी देकर कौन सुलाता है, ये क्या है? प्रश्न। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कि रात में थपकी देकर कौन सुलाता है, है ना? कौन सुलाता है? माँ। आप लोग होगी मम्मी, लोग मम्मी सुलाती, और चंदा मामा उनकी मम्मी सुलाती, ठीक है? माँ। लेकिन इसमें उत्तर नहीं लिखना है आपको, आपको क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है प्रश्न, प्रश्न लिखना है यार सामने, समझ रहे हैं ना? दिव्यांश लिख लिया? यस मैम। और अंतिम है, छुट्टियां कब से होंगी, ये क्या है? प्रश्न। प्रश्न, ये भी प्रश्न है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि छुट्टियां कब से होंगी, ठीक है ना? तो दो उत्तर, दो तो उत्तर है और अंत के दो प्रश्न है, ठीक है? आयुष्मान लिख लिया? यस मैम। लिख लिया ना? अब अंतिम प्रश्न है, चार नंबर, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर राइट लगाइए। समान अर्थ पढ़े है ना आप लोग, पर्यायवाची शब्द पढ़े है ना? यस मैम। वही है ये, चांद का एक और नाम क्या है? खग, शशि, सितारा, क्या है? शशि। शशि, शशि पर निशान लगाइए, शशि पर निशान लगाइए, सब लोग लगाइए। दूसरा आसमान को और क्या बोलते हैं? जल, मेघ, आकाश, क्या बोलते हैं आसमान को? आकाश। और दो ना आप तो नहीं आएगा, दो धर्म। तीसरा है पानी, पानी को क्या बोलते हैं? नीर, जल, जब, जब। मुझे भी नहीं पता, नीर क्यों नहीं पता है, पता करिए ना आयुष्मान, यश आप आवाज नहीं लगता है बेटा, क्लास ओवर हो गया, टाइम हो गया, पूरा टाइम ही हो गया। हाँ? तो इसमें क्या होगा? नीर, नीर में निशान लगाइए मैम।
बोलिए। और अंतिम है सूरज को क्या बोलते हैं? किरण, रवि, सूरभ। क्या बोलते हैं? रवि। सूरज का एक नाम रवि भी है, ठीक है। तो ये पाठ अब आपका पूरा हो गया, ठीक है। यस, आप क्या पूछ रहे थे बेटा? यस, क्या पूछ रहे हैं आप? बोलिए। और ये बताइए, आपने पाठ 16 पूरा कर लिया है हिंदी का? या है कि नहीं कर, बताओ। नो मैम। व्हाई? अब बताइए, आपका पाठ 16 हमने आज दोबारा करवाया है, हमने सैटरडे को भी कराया था हमने, और आज भी कराया है। आज भी मेरा मार्क्स लूंगा। हाँ, आज कर लूंगा। कैसे करेंगे? पाठ पढ़ के। अच्छा ठीक है, तो पाठ पढ़ के आप मम्मा बता देंगी, तब आप कर पाएंगे ना? आपको क्लास ज्वाइन करना चाहिए समय से। देखिए बेटा, अभी तो देखिए वो पीरियड ही खत्म हो गया है ना। हम वीडियो भेजेंगे और आप मम्मा से करा लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। ओके, अब हमारा पीरियड ओवर होता है। गुड डे। कल आपका होमवर्क है, आप लोगों को सुनहरी धूप का पाठ 9 और 10 याद करना है, ठीक है यार? 9 पार्ट से हमारे एग्जाम में आएगा, तो आप सब लोगों को पाठ 9 और 10 याद करना है। सुन रहे हैं सब लोग? नव्या, दिव्यांश और देखिए कौन है, अंजलि, आराधना, सृष्टि, यस, और जितने भी बच्चे हैं सब लोग याद करिए पार्ट 9 और 10। अब अपना रिवीजन चलेगा, ओके? तो हम पार्ट 9 और 10 कल पूछेंगे आप लोगों से। ओके, गुड डे। बाय मैम। गुड डे मैम। गुड डे। बाय मैम।